कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? आज ही इस्तांबुल आए हैं और आज ही से वीडियो स्टार्ट हो गई है। और ये अनीस भाई, जिन्हें आपने लास्ट मेरी वीडियो मेरे साथ देखा होगा, तो अब हम जो है यहाँ पे, और सफ़र का आगाज़ जो है वो भी हमने बड़ी ज़बरदस्त जगह से किया है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की मज़ार के पास जो है अभी हमने नमाज़ पढ़ी है यहीं पर, और यहाँ से हम निकले हैं। भाई कहाँ लेके जा रहे हैं आज? सर मैं आपको एक शेड्यूल बनाया है आपके 7 डेज़ का। सही। तो आज मैं आपको यहाँ की अय्यूब सुल्तान के पास ऊपर एक चोटी है, अच्छा, वो कब्रिस्तान के अंदर है, लेकिन उसको उर्दू में लें तो उसका नाम है प्यार लोधी कहते हैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये हम चेयर लिफ्ट में जाएंगे? हाँ चेयर लिफ्ट में जाएंगे, वापसी भी हम पैदल आएंगे, तकरीबन हाफ किलोमीटर बनता है। तो इसका क्या यहाँ से पास बनता है, क्या होता है? इस्तांबुल कार्ड। अच्छा ये इस्तांबुल कार्ड है। इस्तांबुल कार्ड से पैसे डाले और ड्रेस कार्ड लगाए ऊपर। अच्छा अच्छा, चलते हैं हम पर चैलेंज। मेरा घर के पास। अच्छा एक मिनट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये जो ट्रिप है ये अपोलो हॉलीडेज की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, और स्पेशली अगर तुर्की में, क्योंकि आजकल बड़ा टूरिज्म है यहाँ पे, तो अगर आप तुर्की के अंदर कोई ट्रिप अपना प्लान करें तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बड़ी अच्छी सर्विस आप इनकी इंजॉय कर सकते हैं। दुबई में मेट्रो का कार्ड रिचार्ज होता है, सेम इसी तरह कार्ड रखा आपने? वो ऑरेंज ट्रेन चली है, आई थिंक ऐसा ही है। सही, और अमाउंट डाला और कार्ड रिचार्ज हो गया। कार्ड रिचार्ज हो गया, सही। अच्छा इसका कार्ड आप बनवा भी सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कैसा पॉइंट है ये। हिसाब लगा लेंगे अभी 2021 आ गया, तकरीबन 1350 साल से, तकरीबन 1300 साल से स्टार्ट है ये मामला। ये स्टेशन है इसका यहाँ? हाँ, ये स्टेशन है, हम पहुँच गए वो ऊपर। सही सही, लेकिन ये पॉइंट है यहाँ पहुँच गए, हार्डली 3 to 4 मिनट्स का जो है वो रास्ता था। वेट, सही कहते हैं ना कि इस्तांबुल में 2 दिन से ज़्यादा रुके तो प्यार हो जाएगा इस्तांबुल से। यहाँ की बिल्लियाँ देखें आप कितनी हेल्दी होती हैं, मतलब लोग इतना केयर करते हैं, लोग इनको इतना अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं। अच्छा तो देखें यहाँ जो है वो अनीस भाई लेके आए हमें, और ये प्यार लोती करके जो है वो टर्की जबान में लिखा हुआ था नाम। देखें स्ट्रेंज है कि कब्रिस्तान है, पूरा कब्रिस्तान के बीच में बना हुआ है, लेकिन पॉइंट ऐसा है कि पूरा इस्तांबुल का जो है वो व्यू आपको जो है वो यहाँ से आप इंजॉय कर सकते हैं। गलाता टावर वो सामने है, देखें वो गलाता टावर, और उसके अलावा वो सामने है ना सफीर टावर, इस्तांबुल की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। सही, सफीर टावर। एंड बॉस्फोरस का व्यू है पूरा? या नहीं नहीं, बॉस्फोरस नहीं, ये गोल्डन हॉर्न है, ठीक है। अच्छा, ये गोल्डन हॉर्न है। पता है वो सामने, वो गलाटा के सामने पहले दौर में लगाई हुई थी जंजीर। अच्छा, जो जंजीर का मामला ना वो वहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, उस तरफ से कोई इस तरफ ना आ जाए। सही सही, तो बेजेंटाइनियों की जो वॉल थी ना वो वहाँ पे थी, वो देखे वो नजर आ रही है वॉल। जी 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 बिल्कुल, वो वहाँ उसके अंदर तरफ वो था ना जो। मैं अनीस भाई के पास होटल से निकला हूँ, तकरीबन डिस्टेंस 15 मिनट का था, लेकिन मुझे पहुँचते इतनी देर लगी, ट्रैफिक आज बहुत जाम है, और आपको पता है आज 31st की जो है वो इवनिंग है, तो न्यू ईयर का भी सीन है। अच्छा अनीस भाई क्या सीन है न्यू ईयर का, यहाँ पे कोई फायरवर्क्स वगैरह कुछ होता है? न्यू ईयर का प्लान ये है कि होता है, मतलब इतने अच्छे तरीके से, डेफिनेटली ये मॉडर्न लॉन्ग है तो डेफिनेटली यहाँ पे होता है, लेकिन पिछले साल जो हुआ था ना, मतलब हर चीज़ करते हैं जो भी होता है ना, तो हर लिहाज से ये सब कुछ करते हैं, लेकिन इस बार ईद पे जो इन्होंने किया ना उस हिसाब से लगता है कि सर पटाखे तो दूर की बात, हम सही से खाना भी नहीं खा पाएंगे। अच्छा, वैसे जो है वो फायरवर्क्स किधर होते हैं अगर सर मैं आपको बताऊँ, ये पूरा जो एरिया ना समंदर बीच के साथ साथ हर जगह पे, ये नीचे भी जगह है, हर जगह पे वो ले फायरवर्क्स लेके, टैक्सिम स्क्वायर, वो सफीर टावर, सब पे ये जितनी भी बिल्डिंग है ना, इन पे ये न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर के टैग लगा के ना वो पूरा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अभी ये लॉकडाउन की नज़र हो गया ना? अभी ये लॉकडाउन की नज़र हो गया, एक मुझे एक अभी भी प्रॉब्लम है कि शायद लॉकडाउन है या कर्फ्यू है, अगर लॉकडाउन हुआ तो फिर भी किसी हद तक पॉसिबल है।
अगर कर्फ्यू हुआ तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब हमारे यहाँ से जितने भी टूरिस्ट आते हैं काफी सारे ऐसे हैं जो जिन्होंने ये जगह नहीं देखी देखी नहीं 100% नहीं देखी सर 100% नहीं देखी। तो अनीस भाई के साथ आने का फायदा ये है कि वो ऐसी जगहों पे भी ले जाएंगे जहाँ नॉर्मली लोगों के मतलब लोग नहीं जाते। हाँ तो और दूसरी बात ये है कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ कोई बंदा आए ना इस्तांबुल देखना चाहे तो ऐसी जगह पे जाए जहाँ से उसको आइडिया हो जाए कि मैंने कल कहाँ पे जाना है मैंने क्या क्या चीज़ घूमनी है। यू नो अगर आपने हाया सोफिया जाना है तो डेफिनेटली सर वो रहा हाया सोफिया पता चल गया कहाँ जाना। आपने देखना यार इस्तांबुल में और क्या चाहिए सर वो पीछे आप सफीर टावर है और क्या चीज़ है। बेजेंटानियों की दीवार कहाँ है सर वो है और सुल्तान अहमद मॉस्क कहाँ है वो है सर। हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल है। तो क्या मतलब इंटरनेट की ये एक इंटरनेट है सर। अब यहाँ पे आए इजीली देखें कहाँ पे जाना है प्री प्लान करें और पीछे वो बैठने वाला भी सीन है चाय पिए कॉफ़ी पिए लाइक एंजॉय। हाँ डेफिनेटली अभी के लिए तो बंद है मैं आपको स्टेज पे लेके चलता हूँ यहाँ से कब्रिस्तान भी आए हुए यहाँ पे फातिहा भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल खाने पीने का क्या सीन है। खाना पीना मैं बिल्कुल भूखा हूँ मैंने कुछ भी नहीं खाया तो टेंशन नहीं है आपको। तक नहीं पिया मैं। सर क्या बात कर रहे हैं कोई बात नहीं आपको अच्छे से खिलाते हैं सर। अच्छा ये जो टेबल सारे हटा दिए इन्होंने कोविड की वजह से हटा दिए सारे सर काफी देर से बात लगी। अच्छा कोविड ने यार बर्बाद कर दिया सब अल्लाह पाक यार इससे जान छुड़ा दे सबकी। चाय भाई चाय बोल रहे हैं ये दिखाइए ना यार व्यूअर्स को क्या ये दिखाइए देख रहे हैं रिंग देख रहे हैं काई कबीले की रिंग कौन सा अच्छा होता है इसके अंदर आप बनाते रहे कौन सा अच्छा होता है इसके अंदर बताएं सर। मुझे तो पोटैटो सही लगेगा। हाँ तो बस सही है वही बनवाए पोटैटो या आप ऐसा कर सकते हैं वो कीमे वाला भी है दोनों में से जो फिट है जो अच्छा है वो बनाए पोटैटो। एक ही दाने पता थे इसलिए जी बड़ा पराठा है इसको फोल्ड करके इसके बीच में इन्होंने हाँ एक काफी होता है हैं प्यार लोती के एग्जाम में। अच्छा देखिए एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी जैसा मैंने शायद लास्ट भी अपनी जो ट्रिप था मेरा मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पे लोग काम करने में शर्म नहीं करते बिल्कुल भी। यहाँ पे लेडीज़ भी काम करती हैं घर के अंदर जितने अफराद हैं वो सब काम करते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ पे किसी यंगस्टर को अगर बोल दिया जाए ना कि आप यहाँ पे कियोस्क लगा लो एक ठेला लगा लो तो वो शर्म महसूस करते हैं कि यार हमारे जैसा पढ़ा लिखा बंदा क्या ठेला लगाएगा। तो देखें यहाँ पे ये लोग इतने सक्सेसफुल हैं कामयाब हैं ये लोग कि फैमिली हर फैमिली मेम्बर यहाँ पे जॉब करते हैं। और ये प्यालोती का सबसे मतलब अच्छा ढाबा है। अच्छा हाँ वो पीछे जो आंटी है ना अम्मी टाइप ये उनका है ये उनकी मतलब लाइक उनके बेटे की ये बहू है। अच्छा यार अयूब सुल्तान आए कोई तो ऊपर आ गए जरूर ट्राई करें। या और इसकी कॉस्ट क्या है ये भी बताएं व्यूअर्स को। वहाँ पे लिखा 12 का होगा एक तो पाकिस्तान में दो पराठों के जितना ही है। हाँ बाय द वे सर्विंग भी अच्छी है इसमें। हाँ डेफिनेटली ये देखें इतने तो मैं पाकिस्तान में जो है ना एक हफ्ते में नहीं चलाऊंगा 11,000 स्टेप्स आज मैं चल गया हूँ। हमने आलू का पराठा खा लिया अब हम ये कब्रिस्तान से ये रास्ता जा रहा है दिखाएं ये रास्ता कैसा है। ये रास्ता जा रहा है और हम अनीस भाई के साथ जा रहे हैं उनके घर पर कॉफ़ी पियेंगे और इसके बाद फिर जो है वो अनीस भाई मुझे वापस जो है वो ड्रॉप कर देंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ पे सबील लगी हुई। अच्छा देख के कब्रिस्तान देख के जो है वो एक मैसेज जहन में आया मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इंसान अच्छे कपड़े पहनता है सही है अपनी पिक्चर्स खींचता है वीडियोस बनाता है देखता है वो कि मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ कितना अच्छा लग रहा हूँ। और आजकल का माहौल ऐसा है कि लोग दुनिया में ही रह जाते हैं वो आखिरत को भूल जाते हैं। तो ये जो खूबसूरती है ये जो जवानी ये कुछ टाइम की है जब बुढ़ापा आता है तो अच्छे से अच्छा खूबसूरत इंसान जो है ना उसकी भी चमड़ी लटक जाती है ये सब कुछ टेम्प्रेरी है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा कुछ भी परमानेंट नहीं है। असल यही चीज़ है यही परमानेंट है तो इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए अल्लाह पाक हमें अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करने की तौफीक दे। ये जो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे लोग बड़ा बिल्लियों का ख्याल रखते हैं जानवरों का बड़ा ख्याल रखते हैं ये देखें मैं आपको गलियाँ दिखाता हूँ क्या बने हुए उसमें ये देखिए छोटा ना हाँ देखे ना ये देखें इसे अंदाज़ा लगाएं कि ये देखें बिल्लियों के घर बनाए हुए यार खाना पीना सब कुछ यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जाता है छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर बनाए हुए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या बात है यार गवर्नमेंट की तरफ से। तो जी आज का पहला दिन था इस्तांबुल में और हमने जो है वो एक जगह विजिट की अनीस भाई के साथ और अभी जो है वो हम अयूब सुल्तान पे ही हैं। पीछे आप देख रहे हैं ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार है और ये पूरी मार्केट है ये पूरा इलाका अय्यूब सुल्तान कहलाता है। तो
आज का दिन जो है वो यहाँ पे अख्तितम पे है, और न्यू ईयर की यहाँ पे कोई ऐसी सेलिब्रेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है वो अभी मतलब लॉकडाउन और कर्फ्यू वाला कुछ सीन है। कर्फ्यू तो नहीं लगा लेकिन लॉकडाउन है कम्प्लीट, तो यहाँ पे कोई इस तरह की प्रॉपर सेलिब्रेशन वगैरह का कोई सीन नहीं है। तो अब हम कल जो है वो किसी नए टॉपिक के ऊपर, किसी नई जगह के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।